माय नेम इज़ डॉक्टर विक्रांत, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड सर्जन, फिस्टुला, पाइल्स एंड पैरेलल साइनस एक्सपर्ट। फिस्टुला इज अ टनल विच डेवलप्स बिटवीन इनल कैनाल एंड बटक्स। एक टनल होती है जो इनल कैनाल और बटक्स के बीच में डेवलप हो जाती है, कुछ इस तरह की टनल होती है। इसकी एक ओपनिंग अंदर होती है, दूसरी ओपनिंग बटक्स में होती है, जिसके थ्रू पस और ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड फिस्टुला। फिस्टुला ओपीडी बेसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैक्सिमम फिस्टुलास डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इन केस अगर ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वन कैन गो फॉर द MRI। देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर फिस्टुलास, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें फिस्टुला रिकरेंस हो जाता है। इसलिए हमने अपने सेंटर पे जो भी एडवांस प्रोसीजर हैं जिसके द्वारा रिकरेंस अवॉइड किया जा सकता है वो करते हैं, जैसे DLPL, BEST एंड एडवांस चार्ट सूत्रास। ये जो प्रोसीजर्स जिसके मैं अभी नाम ले रहा हूँ, दे आर मेनली डिजाइन फॉर हाई इनल फिस्टुलास, Grade 3, Grade 4, Grade 5 fistulas, which are going beyond the levator and eye muscles. Treatment of fistula is not about one day procedures. It is not about only laser. It is not about pick up and drop. It is all about the best procedure by which one can avoid the recurrence of the fistulas. हमें वो treatment कराना चाहिए fistula में जिसके द्वारा ये recurrence ना हो। Fistula का recurrence avoid करने के लिए accurate डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस उसके ट्रीटमेंट डिफर करते हैं। सो डायग्नोसिस एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट अगर कंबाइन करके फिस्टुला को सही किया जाए तो ये दोबारा कभी नहीं होता है और इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। फिस्टुला के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और नीचे जो फॉर्म दिए गए हैं उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।